तो फाइनली हम जा रहे हैं कन्नौज। इधर सूरज है तो उधर का वीडियो अच्छा आएगा, लेकिन इधर से वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है। तो हम लोग कन्नौज जा रहे हैं, जयचंद का किला। दीपक हैं और एक भाई साहब और हमारे साथ, राजीव। तो हम पहुंचने वाले भी, देखो रोड पे जा रहे हैं, तो वहां से बस पकड़ेंगे, बस से फिर जाएंगे कन्नौज, जो आपको जयचंद का किला दिखाते हैं। फाइनली हम लोग कन्नौज पहुंच चुके हैं। अभी हम जयचंद का किला जाने वाले हैं, हम कन्नौज आ चुके हैं, तो वहां से हम आपको जयचंद का किला दिखाएंगे। इधर कुछ फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं, ई चालान का कुछ चल रहा है यहां पे, कानून व्यवस्था थोड़ा सख्त नजर आ रहा है। भाई नहीं कोई, ये क्या है लिखा? इत्र नगरी कन्नौज। अच्छा, 1944, 1 जून 1944। ये बोर्ड, इसका बोर्ड का फोटो लो क्या? हां चलेंगे ना, बस मैं पाँच का है ना। हम आ गए गौरी शंकर मंदिर। तो मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसे, पीछे आप देख पा रहे होंगे हमारे। तो अभी मंदिर पे हैं, फूल ले लिए हमने चढ़ाने के लिए। उधर सामने से दीपक और जो राजीव भाई हैं वो भी आ रहे हैं, वो प्रसाद लेने में रुक गए हैं। तो कुछ मंदिर का सीन दिखाते हैं हम आपको फ्रंट कैमरा से, बैक कैमरा से, सॉरी। कुछ ऐसा था कि हम लोग आए थे जयचंद का किला देखने, तो इधर गौरी शंकर मंदिर है, तो वहाँ काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है यहाँ पे। तो आज मंगलवार है, आज कन्नौज क्लोज रहता है, तो आज इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। बट आज मंदिर इसलिए आ रहे, पहले मंदिर हो लेते फिर हम आपको जयचंद का किला दिखाते। सीधे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भाई, और दीपक और राजीव भैया साथ में हैं, दोनों लोग बिल्कुल मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। चित्र बड़ा मस्त बने ना ये सामने। ये यहाँ पे ये गौरी शंकर का मंदिर है, आज मंदिर क्लोज है, ताला लगा हुआ है, तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते।
तो यहीं से वीडियो दिखाते हैं आपको। अब बारे में शंकर बाबा के यहाँ पे हैं, शंकर भगवान के मंदिर पे। तो सामने कुछ दिख रहा है नोटिस बोर्ड में, आपको दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रंट कैमरा पे गौरीशंकर बाबा महादेव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व, श्री गौरी मुखी शिवलिंग छठवीं 36वीं निराकार एवं साकार के समन के प्रतीक। लोग अभी मंदिर में हैं, तो इधर दीपक देखो फोटो शूट कर रहे हैं, ये देखो बिल्कुल, और इधर ये भी फोटो ले रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम गौरीशंकर मंदिर आ चुके हैं, अभी जयचंद के किला पे थोड़ी देर में जाएंगे, तो वहाँ का लोकेशन आपको दिखाएंगे, कैसा लोकेशन है पूरे मंदिर को हम दिखा देते हैं एक बारी में। ये कुछ ऐसा सीन है मंदिर के पीछे का। तो हमने बाबा गौरीशंकर मंदिर के दर्शन किए, तो इधर का व्यू इस तरीके का है। हमारे दीपक भैया दिखाएंगे इधर को मंदिर की तरफ घुमा के, कैमरे को घुमाएंगे, तो उधर ये मंदिर का कुछ सीन है। सीन कुछ ऐसा आ रहा है, ये गौरीशंकर बाबा का मंदिर है, हमने हम लोग दर्शन कर लिए, अब सीधे निकलते हैं जयचंद किले के लिए। तो वहाँ का कुछ व्यू होगा, वहाँ का दिखाएंगे हम आपको। चलिए हम लोग जा रहे हैं अब जयचंद किला। हम यहाँ का मंदिर देख चुके हैं, गौरीशंकर मंदिर आपको दिखाया, छोटा मोटा ब्लॉग जैसा भी लगा। थोड़ी क्वालिटी बद दी आ सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत तेज़ है, बारिश होने वाली थी लेकिन बादल अभी जा चुके हैं, बहुत तेज़ धूप है, तो गर्मी का सीन बहुत ज़्यादा है, तो पसीना पसीना हो रहे हम लोग। तो अभी हम जयचंद किला के लिए निकलते हैं, अब वहाँ का भी कुछ सीन दिखाते हैं। हम लोग मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, कुछ इधर का व्यू हम आपको दिखाते हैं। ये व्यू है राजा हर्षवर्धन की तस्वीर है, ये आपको जूम करके दिखाते हैं, उस पर नाम भी लिखा हुआ है राजा हर्षवर्धन। तो अभी हम चलते हैं, मंदिर का ये फ्रंट किनारा है, अभी हम निकलते हैं जयचंद किला के। फाइनली हम राजा जयचंद के किला के ऊपर पहुंच चुके हैं, ऊपर जाएंगे देखते हैं क्या सीन बनता है उधर का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, समाजवादी पार्टी लोहिया प्रतिमा, कन्या कुछ में सम्राट शासनकाल 1170 से 1100 तक। ये राजा जयचंद की मूर्ति कुछ इस टाइप की लगी हुई है, सामने देख पा रहे हैं। तो अभी ये किला है जो पुराना किला हो चुका है, तो ढह गया है किला, तो उधर टीले में तब्दील हो गया है, तो काफ़ी ऊंचा है। हम आपको चढ़ते हैं ऊपर, देखते हैं फिर क्या सीन है ऊपर। देख रहे हो जहाँ राजा जयचंद की मूर्ति लगी हुई है, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं किले के ऊपर, तो ऊपर पहुंच रहे हैं, तो ऊंचा खाली दिख रही है, काफ़ी रिस्की है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। हम चढ़ते हुए जा तो रहे हैं, ये बारिश में काफ़ी सकरा है, संभल के चढ़ना भी पड़ेगा, इस पर गिरने का भी चांसेस है। उधर से दीपक भी आ रहे हैं, राजीव भैया भी आ रहे हैं। ये किला जो है टीले में तब्दील हो गया, बहुत पुराना किला है बताया जाता है, किसी स्थानीय से बात करते हैं हम यहाँ पे। जैसा आ रहा है नीचे का सीन, ऊंचाई काफ़ी है, इधर कन्नौज सिटी है पीछे दिख रही, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। तो ये इधर कन्नौज सिटी है, ये पानी की टंकी, चलते चलते थक गए हैं, ये लोग भी परास्त हो गए हैं। तो बताइए कैसे आना हुआ लाखन, ये जयचंद के किले पे, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए कुछ। बस यही देखना था मुझे कि यहाँ पे सुना है काफ़ी इसका नाम है और जयचंद का किला काफ़ी फेमस है। तो अभी और थोड़ा ऊपर जाना है, देखते हैं फिर के ऊपर आ चुके हैं। किला टाइप का है लेकिन टील टाइप का बन गया किला, काफ़ी पुराना तो गिर गया है। यहाँ के कोई स्थानीय निवासी से मिलते हैं, बात करते हैं। देखो एक भैया खड़े हुए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इस किले के बारे में। भैया कुछ बताएंगे इस किले के बारे में? तो ये भाई साहब कुछ बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं, तो कुछ बोलने में असमर्थ हैं या कोई प्रॉब्लम है ऐसी। तो पीछे का ये कन्नौज सिटी दिख रहा है और ये किला है, हम आपको फ्रंट के बैक कैमरे से दिखाते हैं एक बारी। तो सीन पीछे का ऐसा है कि पीछे देखो बादल दिख रहे हैं, तो बारिश होने हो सकती है,
कह नहीं सकते, बादल काफ़ी तेज़ है, बारिश भी हो सकती है। फ़ोन और कैमरा जो साथ में वो बचाना है मेरे को। तो पीछे कन्नौज सिटी दिख रही है, देख लो, देख सकते हो घर वर दिख रहे हैं। ये टील टाइप, मतलब वो टीला टाइप का हो गया, किला था पुराना, बहुत पुराना किला, तो गिर गया। ये दीपक भैया फ़ोटो कुछ ले रहे हैं, कुछ राजीव भैया फ़ोटो खींच रहे हैं, पीछे देख सकते हो आप। तो ये आज का ब्लॉग है, तो हम वीडियो को एंड करेंगे थोड़ी देर में, पहले कुछ और दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, कुछ नीचे का सीन आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं हम। तो ये काफ़ी डेंजरस पॉइंट है, जहाँ से हम लोग एंट्री की थी वो एंट्री का वो रहा यहाँ से, और ये काफ़ी ऊंचाई है नीचे की, तो आप देख सकते हैं वीडियो में ये नज़ारा है। ये टीला टाइप का है, इसे किला बोलते हैं, काफ़ी फेमस है। तो आज के ब्लॉग में मैंने जो दिखाया, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये कुछ सीन है लाखन किले का, जयचंद, जिन्हें लाखन भी कहा जाता है, असली नाम जयचंद्र है। तो जंगल शूट हो रहे हैं, तो दीपक बताएंगे कि यहाँ आके कैसा लगा और मज़े आए कि नहीं। हमें तो बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पे आके भैया, बहुत मज़ा आ रहा है। और राजीव भैया से भी जानेंगे, बताएंगे ये भी भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है काफ़ी, और सही है, घूमने के लायक चीज़ है, यहाँ पे आ सकते हो, घूम सकते हो। मौसम भी सुहाना है आज, अभी धूप निकल रही थी, अभी गर्मी गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी बारिश हो सकती है, पानी बरस सकता है। तो अभी हम थोड़ी देर में घर निकलते हैं, फिर ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर। ये मंदिर कौन सा है? ये किला देखो, गड्ढा सा हो गया, यहाँ बैठ गया है। ये दीवारें दिख रही होंगी आप लोगों को, ये देखो दीवारें टाइप की बनी हुई हैं। तो किला था, इस बताया जाता है कि राजा जयचंद का किला, पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली के राजा हुआ करते थे, तो कुछ सुनने में आया कि यहाँ से स्थानीय लोगों से पता चला है कि यहाँ से सुरंग सीधे नीचे नीचे दिल्ली तक गई है। अब इसका तो मुझे पक्की बात तो पता नहीं है, तो ये सीन ऐसा कुछ है। तो यहाँ राजा, आप विकीपीडिया कर सकते हो, आप देख सकते हो, विकीपीडिया पढ़ सकते हो, बादल काफ़ी तेज़ हो रहे हैं, तो आप विकीपीडिया कर सकते हो राजा जयचंद के बारे में और इनके किले के बारे में। ये बहुत पुराना किला है, वैसे टीले टाइप में तब्दील हो गया है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पेंट करते हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। छोटा मोटा ब्लॉग था, आपको दिखा दिया, यही है जयचंद का किला, हम देख चुके, अब जा रहे हैं घर। बारिश होने का संभावना है, बारिश हो सकती है, तो हम चल रहे हैं अब घर। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।